हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मारुति सुजुकी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हर वो वीडियो इस चैनल में अपलोड होगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको वो हर वो वीडियो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी इंडिया, ये स्टॉक जब बहुत महंगे वैल्यू इसमें मिल रहा था तब हर लोग सोचते थे कि भाई मारुति सुजुकी बाय करना है, मारुति सुजुकी बाय करना है, मारुति सुजुकी बाय करना है। लेकिन इतना महंगा, सस्ता हो चुका है, अब बाय कीजिए, अब क्यों डर रहे हैं? ये डरने का वक्त नहीं है फ्रेंड्स, ये डरने का वक्त नहीं है। स्टॉक मार्केट में ऐसा दौर, मतलब ऐसा करेक्शन हर साल नहीं आता, 3 साल में भी नहीं आता। आता है छोटा मोटा करेक्शन, लेकिन इतना अच्छा मौका हर रोज़ नहीं आता। इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को मतलब काम में लाइए, इसको आप अपने पोर्टफोलियो को सजाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी 173 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, 173 रुपये के आसपास ट्रेड करता था 2003 में। हाँ, मतलब आपके दिल में या फिर आपके दिमाग में या फिर आपके ख्याल में, तीन बातें आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपके ख्याल में ये बात ज़रूर आएगी कि 5,800 हो गया, यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से कितना ऊपर जाएगा। फ्रेंड्स, MRF को देखिए एक बार, आप MRF को देखिए, MRF आज कहाँ पर है? लगभग 60,000 70,000 का, 80,000 का भी लेवल MRF ने देखा। वो कितने में लिस्टिंग हुआ था वो देखने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक कहाँ तक ऊपर जाएगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, भगवान को छोड़ कोई नहीं लगा सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मारुति सुजुकी को बाय करना है, तो एक बहुत अच्छे लेवल पे अभी आ चुका है। अभी आप यहाँ पर अपना जो स्टेक है उसको अगर आपने महंगे वैल्यूज में लिया था तो एवरेज कीजिए, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो फ्रेश खरीदारी कीजिए। और एक बात, अगर आपके पास माल है आप पैनिक में बेचने की गलती ये मत कीजिए, इस डायमंड को अपने पोर्टफोलियो से निकालने की गलती मत कीजिए फ्रेंड्स, ओके। और अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो वो है लगभग 1,76,000 करोड़ के आसपास, डिलीवरेबल क्वांटिटी 42% के आसपास, पी वैल्यूएशन महंगे वैल्यूज में मिल रहा है। मैंने इस स्टॉक को डायमंड के साथ तुलना किया और एक बात समझ लीजिए, डायमंड तो सस्ता नहीं मिलता ना फ्रेंड्स, डायमंड हमेशा महंगा ही मिलता है। तो ये स्टॉक भी उसी तरह का है, महंगा हमेशा महंगा मिलेगा आपको। ये अगर 3,000 भी हो जाए तब भी इंडस्ट्री के पी से इसका पी ज़्यादा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्रोमोटर के पास लगभग 56% स्टेक है, मालिकों के पास लगभग 56% स्टेक है और म्यूचुअल फंड वाले के पास लगभग 6% का स्टेक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस एक बार अपना पक्का एनालाइज कर लीजिए। पक्का एनालिस मैं इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, आइंदा आप अगर किसी स्टॉक को बाय करना चाहेंगे तो अगर आप एनालाइज करने का जो एक मतलब कह सकते हैं हैबिट है ना, उसको अगर आप डाल लें तो आप लॉन्ग टर्म में वो भी आपको एक बड़ा फ़ायदा देगा। क्योंकि हर स्टॉक खरीदने से पहले आप फ्रेंड्स एनालिसिस जरूर कीजिए, अपना खुद का एनालिसिस, पक्का एनालिसिस जरूर कीजिए। वो आपको रिटर्न से भी ज़्यादा, स्टॉक मार्केट में रिटर्न से भी ज़्यादा फ़ायदा देगा ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपना बात ख़त्म करना चाहूँगा और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।